सी में आप सबकी सलामती हो। मैं शनाज विलियम, डायरेक्टर FGA एडल्ट वेलफेयर लाहौर से एक बार फिर आप सबसे मुखातिब हूँ और आप सबकी दुआओं और मोहब्बतों की दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स पिछली बार वीडियो बनाने पर आप लोगों ने हमें दी है, तो उसके लिए मैं आप लोगों की दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ। और खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला बना है और जिससे हमें पता चला है कि भी हमारी कौम हमारे साथ खड़ी है और अब हम ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ इस जंग को जारी रख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने भाई चौधरी मंसूर आकाश रंधावा के मुतालिक कि पिछली बार जो ने एक अगवा करने की कोशिश की गई थी और उसमें डॉक्टर लियाकत कैसर साहब, काशिफ चांद साहब और सदीक साबर साहब नाकाम हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने हमें दीवार से लगाने की कोशिश की और उन्होंने चौधरी मंसूर रंधावा के खिलाफ एक एप्लीकेशन थाना लियाकताबाद में जमा करवाई और जब वो लाहौर आए तो खुदावंद ने उन्हें वहाँ पे फतह बख्शी और ये सारा जलाल जो है वो हमारे खुदावंद के नाम के लिए है कि खुदावंद ने उन्हें थाना लियाकताबाद में कामयाबी बख्शी। लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो है कभी बैठे नहीं, उन्होंने एक और पिटीशन जो है वो कोर्ट में चौधरी मंसूर रंधावा के खिलाफ जो है कभी जमा करवाई कि भी पुलिस ने हमारे हक में जो है वो फैसला नहीं दिया, पुलिस उनके साथ मिल चुकी है इसलिए हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसकी मेहरबानी है कि आज एक और फतह और कामयाबी जो है वो खुदावंद की तरफ से जो है कि भी हमें मिली है कि उसमें भी उस पटिशन में भी कोर्ट ने जो है कि भी चौधरी मंसूर रंधावा साहब को जो है कि भी सरफरू किया है और उन्हें कामयाबी बख्शी है। इसमें आप सब लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआओं और ख़ास तौर पर वो बेटियां जो यतीम और मिस्कीन हैं जिनके सरों से छत खींच ली गई है उनकी दुआएं शामिल हैं कि खुदावंद ने उन्हें ये फतह और कामयाबी दी है। तो ये है कि पिछले एक साल से जो मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये है कि एक साल पहले जब मैं मुख्तलिफ ऑफिस में जाना शुरू हुई थी तो उसमें हर जगह पर मुझे हरासा किया जाता था कि मैं उन ऑफिस में ना आऊँ, अपने जो ऑफिशियल्स लेटर थे वो जमा ना करवाऊँ। उन ऑफिस में जो जब मैं जाती थी हमारे लेटर जमा हो जाते थे और वहाँ से हमें जवाब भी मिल जाता था, लेकिन वो जवाब हम तक कभी भी नहीं पहुँचा था, क्योंकि वजह ये थी कि हमारे लेटर जो है जो हमें जवाब में आते थे वो वहीं पे ही दबा दिए जाते थे कि उन तक ये लेटर जो है वो ना पहुँचे। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और खुदावंद में हम लोगों ने ये मिशन जो है कि भी जारी रखा है और आज खुदावंद का शुक्र है कि हम सरफरू हुए हैं और खुदावंद ने हमें फतह बख्शी है, क्योंकि जिनकी जंग यहोवा लड़ता है वो कभी भी जो है वो नहीं हारते हैं और खुदावंद का शुक्र है कि हम कामयाब हुए हैं। उसके बाद मैं देखी कि रही शुक्रगुजार हूँ MD नथानियल जोसेफ साहब की कि उन्होंने इस बुजुर्गी में इस बढ़ापे में हर जगह पे हमारा साथ दिया है और नॉर्वे में रहते हुए भी उन्होंने कभी हमें यह एहसास नहीं होने दिया कि वो हमारे साथ नहीं हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ तैमूर संधु साहब की जो कि प्रिंसिपल हैं हमारे, साउथ अफ्रीका में होते हुए भी उन्होंने हर जगह पर हमारा साथ दिया है, हमारे साथ हर वक्त रब्ता रखा है। खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे और उन्हें अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे। नौशीन पत्रा साहबा जो कि डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर पास्टर सैमुअल किंग साहब, इनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर जगह पे ये लोग हमारी आवाज़ बने हैं, हर जगह पे ये लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। और ख़ासतौर पर शुक्रगुजार हूँ परवेज रोशन साहब की कि जिस तरह से वो हमारे साथ हमारी आवाज़ बन रहे हैं, कौम के दर्द को वो जानते हैं और कौम का दर्द जो है उनके दिल में है, क्योंकि उनकी हर वीडियो से पता चलता है कि जब वो अपनी वीडियो बनाते हैं तो उनकी वीडियो में जो एक कौम के लिए दर्द होता है, खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे और इसी तरह से उन्हें अपने नाम के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, खुदावंद आप सबको बरकत दे।